लगभग एक साल पहले इसी जगह पर एक सड़क हादसा पेश आया था जिसमें 5 कीमती जानें जो है वो चली गई थी। स्थानीय लोग हैं उनकी ये डिमांड थी कि जहां पर जो सड़क है उसके साथ जो है वो क्रैश बैरियर एक्सिन जो सतीश भगत जी है, मैंने उनसे बात की जो WAE है PMJSY डिपार्टमेंट रामनगर के ऋषि गुप्ता जी, मैंने उनसे बात की। तो देखिए मीडिया का काम होता है कि जहाँ पर कोई गलत काम हो उसको दिखाना, उसको हाईलाइट करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं आपके साथ बलवान सिंह ठाकुर। इस समय मैं सलान टू केला जो सड़क है उस सड़क के ऊपर मौजूद हूं और जिस जगह पर मैं इस समय मौजूद हूं आपको बता दूं कि लगभग एक साल पहले इसी जगह पर एक सड़क हादसा पेश आया था जिसमें 5 कीमती जानें जो हैं वो चली गई थी। और उस समय भी मैंने खुद जहाँ पर लाइव कवरेज की थी, आप सब जानते हैं कि किस तरीके से 5 कीमती जानें जहाँ पर चली गई थी और 2 मासूम बच्चों की जान भी उसमें चली गई थी और काफ़ी ज़्यादा दुखद था। उसके बाद जहाँ पर लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनकी ये डिमांड थी कि जहाँ पर जो सड़क है उसके साथ जो है वो क्रैश बैरियर, और मैंने भी लोकल होने के नाते जहाँ के जो रामनगर के PMJSY के जो एक्सीन है सतीश भगत जी, उनसे भी मैंने बात की कि जहाँ पर जो है क्रैश बैरियर लगाए जाएँ ताकि लोगों की जो जिंदगी हैं वो जिंदगी है वो सेव हो सके, जो हादसे जहाँ पर पेश आ रहे थे उनके ऊपर जो है रोक लगाई सके। तो उसके बाद PMJSY डिपार्टमेंट ने जो है वो संज्ञान लिया और जहाँ पर इस समय जो है वो जहाँ पर क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, बहुत ही अच्छा निर्णय जो है वो PMJSY डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ PMJSY डिपार्टमेंट का। और लगातार जहाँ के लोग और लोकल होने के नाते मैंने भी उनसे कई बार बात की, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि एक्सिन जो सतीश भगत जी हैं, मैंने उनसे बात की, जो WAE है PMJSY डिपार्टमेंट रामनगर के ऋषि गुप्ता जी, मैंने उनसे बात की। तो उसके बाद उन्होंने हमारी सभी की बात सुनते हुए जहां पर क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका कि जिस तरीके से जहाँ पर पिछले लगभग एक साल पहले 5 कीमती जानें चली गई थी, ऐसा कोई हादसा दोबारा ना हो, इसी को लेकर हमने ये बात उन तक पहुंचाई थी और उन्होंने उस बात के ऊपर संज्ञान लिया। और आज जहां पर जो है क्रैश बैरियर लगाई गई, मैं सबसे पहले अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये क्रैश बैरियर जो है वो इनकी तस्वीरें दिखाई जाए कि पूरी की पूरी सड़क के ऊपर जो है वो क्रैश बैरियर लगाए गए, जिस तरीके से ये पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत ही ज़रूरी था जहाँ पर क्रैश बैरियर लगाना, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा था कि उस समय जब सड़क हादसा पेश आया था तो जहाँ से गाड़ी इसी जगह से वो गाड़ी जहाँ नीचे गिरती है और लगभग 500 मीटर जो है वो गाड़ी जो है वो नीचे चली गई थी और उसमें 5 जानें जो है कीमती जानें जो है वो चली गई थी। और PMJSY डिपार्टमेंट जो है वो उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट के मुताबिक जो है उन्होंने संज्ञान लिया और जहां पर क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, बहुत ही अच्छा निर्णय उनकी तरफ से लिया गया। मैं धन्यवाद करता हूं PMJSY डिपार्टमेंट का और एक्सिन सतीश भगत जी का, उन्होंने हमारी बात सुनते हुए जहां पर जो है, देखिए मीडिया का काम होता है कि जहां पर कोई गलत काम हो उसको दिखाना, उसको हाईलाइट करना, लेकिन हम ये समझते हैं कि मीडिया का ये भी काम है कि जहां पर कोई अच्छा काम किया जाए वो भी लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि कई लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेगेटिविटी दिखाते हैं कि नेगेटिव ही दिखाएंगे, क्योंकि उनको TRP चाहिए। हमें कोई TRP की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जहां पर अच्छा काम करोगे तो वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन जो गलत होगा उसको भी दिखाएंगे। ये हमारा जो है हमारा एक फ़र्ज बनता है कि जो काम अच्छा किया जा रहा है उसको भी जनता के समक्ष रखा जाए, जनता को दिखाया जाए। शुक्रिया, जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त।